बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी जहाँ हों खुश हों, आबाद हों, आमीन। मैं आज लेकर आई हूँ लौकी के कबाब। ये देखें, इसमें जो चीज़ें जाएंगी नोट कर लें। दो आलू मैंने छिलका उतार के पानी गर्म करके बॉयल कर लिया उनमें, और मैंने लौकी ली थी आधा किलो, आधा किलो लौकी ग्रेट करके मैंने कद्दूकस से, और मैंने उसमें फिर पानी में बॉयल कर लिया था 4 से 5 मिनट। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो देख लें आप। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। डाल के चाट मसाला गया है इसमें, हरी मिर्च गई है, लिखा हुआ आ रहा है, बाकी नमक, कुटी मिर्च, पुदीना बारीक कटा हुआ है, ये बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा। मैंने चने पहले भुने थे और भून के इनको पीस लिया था बिल्कुल बारीक। एक प्याज ली थी मैंने छोटी, उसका छिलका उतार के धो के और मैंने बारीक चकोर कट कर ली थी। लेमन जूस गया है इसमें 2 खाने के चम्मच। इन सबको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगी, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, तो मुझसे सही मिक्स हुआ नहीं। तो मैं आपसे अभी मिलती हूँ अच्छी तरह मिक्स करके। ये देखिए, अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आलू वगैरह बिल्कुल बारीक पिस जाएं। चाहे तो आप बॉयल करके अच्छी तरह ग्रेट कर लीजिएगा उसको भी, आलू को भी। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स कर लिया था मैंने। अब मैंने एक अंडा लिया, एक अंडे को अच्छी तरह फेंट लूँगी। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, ये रेडीमेड है, चाहे तो आप घर में ही बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो सारा मिक्स करके रखा हुआ है मसाला लौकी के कबाब का, उनको छोटे छोटे पोर्शन में लेते जाएंगे और अच्छी तरह कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बनाइएगा, लाजमी बताइएगा मुझे फिर। ये देखिए, अंडे में डीप कर दिया मैंने, फिर इसमें ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे इसको अच्छी तरह, और इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। इसको आप इस तरह बना के और फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में भी 3-4 दिन 5 दिन आराम से नीचे चल जाएंगे। अगर आप एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, तो इस तरह ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा वगैरह कोट करके और फिर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दें, 8-10 दिन आराम से चलेगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, तल के दें, ब्रेड में लगा के दें कबाब, या तो पराठे पर रोल बना के दे दें। ये देखें, बनाया मैंने शेप दी कबाब की, और मैंने अंडा डिप करा था अंडे में डिप करके, और ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिए। देखें ट्रे में 7 से 8 कबाब तैयार हुए हैं ये। अब मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो खुल तवे पे ही तल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, जब ऑयल में बबल बनने लगे हैं तो मैं अब इसमें डाल दूंगी कबाब। इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। दरमियानी आँच की हुई है मैंने इसके नीचे, पैन के नीचे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, बहुत क्रिस्पी बने थे। लौकी पता है वैसे बच्चे खाते नहीं है, तो इस तरह आप दें तो बच्चे ना सब कुछ खा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। मैं लंच बॉक्स में बता दिखा रही हूँ आपको कि मैं लंच बॉक्स में किस तरह देती हूँ बच्चों को। ये देखें, मेरे पास खीरा रखा हुआ था, बादाम वगैरह मैं देती हूँ रोजाना बच्चों को। ये देखें, टिशू बिछा दिया मैंने टिशू पेपर। और लंच बॉक्स मैं तो नहीं लेती, मेरे पास ही डब्बे पड़े होते हैं डिस्पोजल डब्बे, तो इनमें मैं दे देती हूँ। ये देखें, मैंने एक खीरा काट दिया था, एक कबाब रख दिया फ्राई करके, और ये केचप वगैरह मेरे पास रखा था फ्रिज में, ये मैंने रख दिया इसमें। ये एक लंच बॉक्स तैयार हो गया एक टाइम का। ये देखें, दूसरा आइडिया भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पराठा लिया मैंने पूरा, उसके ऊपर केचप डाल लिया। आप चाहें तो मायोनीज भी डाल सकते हैं, या ब्रेड वो भी डाल सकते हैं, चिकन स्प्रेड वगैरह भी, जो आपके बच्चों को पसंद हो वो आप नीचे अच्छी तरह लेयर लगा दें, और फिर कबाब रखें इस तरह पूरे में फैला दें इसको चम्मच की या कांटे की मदद से। देखें, इसी तरह ये आप ब्रेड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैं पराठे पर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपके बच्चे शौक से खाते हैं इस तरह आप कर लीजिएगा। इस तरह 2 पीस करके मैं इसमें लंच बॉक्स में रख दूंगी इसको। ये देखें, इस डब्बे में मैंने लंच बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछा दिया था, नीचे खीरा रख दिया, और ये जापानी फल था मेरे पास ये रख दिया मैंने, बादाम रख दिए 5। ये लंच बॉक्स तैयार हो गया बच्चों का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।